एक्चुअली आप सीधे चलेंगे दमोह, जहां डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक जारी है। मीट जो क्षेत्रीय नर्सेज मीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किए पूरे राज्य में लगातार ये जारी है। भोपाल के बाद जो लगातार जबलपुर और अन्य जगह पर हुई है, उसमें सागर अभी तत्काल में जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है उसमें 3500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। 10 राज्यों से प्रतिभागी यहाँ पर आए थे। रीजनल इंडस्ट्री कंक्लेव सागर में 96 इकाइयों के आशय पत्रों, जिसमें 240 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 1560 करोड़ से अधिक की पूंजी निवेश और 5900 से अधिक व्यक्तियों के रोजगार की संभावना है। लगभग 23,181 करोड़ के निवेश प्रस्ताव इस समिट में प्राप्त हुए। आगामी दिनों में हैदराबाद का रोड शो 16 अक्टूबर को होगा, भोपाल में माइनिंग कंक्लेव 16, 17 और 18 अक्टूबर को है और रीवा की रीजनल इन्वेस्टमेंट 23 अक्टूबर को होगी। हमारा जो सातवां बिंदु है वो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर पर हम गौरवान्वित हैं मध्य प्रदेश सरकार, और मुझे लगता है कि कई बार इस पर हम विचार करते हैं लेकिन शायद हमारी जानकारियों का अभाव होता है। हम गौरवान्वित हैं आज कि भारत सरकार ने जो बेरोजगारी का आंकड़ा देश के सामने रखा है उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी केरल राज्य में है और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में है। केरल में बेरोजगारी दर 29.9% है और केंद्र शासित लक्षद्वीप में 36.2% है और जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत है वो 10.2% है, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे नीचे कुल 2.6% बेरोजगारी दर के साथ हमने जो सफलता जत की है आज हम सबके लिए, आज के दिन को मैं मानता हूँ कि ये आंकड़ा हम सबको गौरवान्वित करता है। इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। आज हमारी दो स्कीमों में, तीन स्कीमों में हम यहाँ पर खाते में पैसा डाल रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी ये काम कर ही रहे हैं। लाडली बहना योजना के अंतर्गत अक्टूबर माह 2024 की राशि 1574 करोड़ अभी सिंगल क्लिक से आज के ही दिन डाली जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 332 करोड़ आज ही सिंगल क्लिक से ये जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत समस्त LPG गैस कनेक्शन दारी उपभोक्ताओं तथा गैर PM उज्ज्वला योजना श्रेणी की लाडली बहना लाभार्थियों को जून 2024 की जो गैप की राशि है 28 करोड़ वो भी आज सिंगल क्लेक्शन डाली जा रही है। विजन डॉक्यूमेंट के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक वर्ष के भीतर जो भी काम जिनके क्षेत्रों में जिलों में हुए हैं उसका विजन डॉक्यूमेंट के साथ उसका जनता के सामने प्रस्तुत करें ताकि हमारी इस काम करने की गति का जनता जनार्दन को पता हो सके। आज हमारे नए मुख्य सचिव की उपस्थिति में पहली कैबिनेट की बैठक थी। 1989 बैच के IAS जो भारत सरकार में भी बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, राज्य के तमाम विभागों को उन्हें संभाला है, उनकी आज पहली कैबिनेट में उनकी उपस्थिति थी। माननीय मुख्यमंत्री जी सहित मंत्रिपरिषद ने उनको शुभकामनाएं दी हैं और हमारी पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें 10 माह तक इस राज्य में मुख्य सचिव के तौर पर काम किया है उनके प्रति भी आभार व्यक्त किया गया है मंत्रिपरिषद के द्वारा। आज वीरांगना रानी दुर्गावती की जन्म जयंती के दिन जो हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है उसका नाम रानी दुर्गावती जी के नाम से श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसमें प्रति हेक्टेयर 3900 रुपये की अतिरिक्त राशि किसान को दी जाएगी और इसका रकबा बढ़ाने का फैसला भी जो लक्ष्य है वो 1,00,000 हेक्टेयर तक पहुंचाने का आज फैसला किया है। इसमें कोदो, कुटकी और रागी जैसी चीज़ें उत्पादन के महत्व को बढ़ाने के लिए इस योजना में दिया है, लेकिन ये वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है।
दूसरा मध्य प्रदेश में जो हमारा मिलेट का जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश ने उसको अपना अव्वल स्थान प्राप्त किया है। सहकारिता विभाग में मध्य प्रदेश एक बात के लिए और जाना जाता है कि हम 0% ब्याज की दर पर किसान को कर्ज देने का काम करते हैं और इस बात का भी आज मंत्रिपरिषद ने आज ही के दिन फैसला किया है कि हम इस योजना को जारी रखेंगे और इसमें एक अंश भारत सरकार देती है और एक अंश मध्य प्रदेश सरकार देती है और इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वीरांगना दुर्गावती जी जो सदैव किसानों के हित में अपना सोचती थी और किसानों से पूछकर फसल चक्र का भी निर्धारण करती थी, ऐसे उनके स्थान पर बैठकर इस महती योजना को फिर से 0% ब्याज में किसान को ऋण देने का जो उन्होंने फैसला किया है उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हमारे घोषणा पत्र में हमने तमाम अल्पसंख्यक अन्य समाजों के बोर्ड बनाने की बात कही थी और उसी के तहत अभी 20-25 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैन समाज के लोगों को जो आश्वासन दिया था इतने कम समय में उसको पूरा किया है। ये हमारे घोषणा पत्र का मुद्दा भी था जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे, उनके ऑफिस का और उनके मानदेय का प्रबंध भी इसमें है और साथ में ये भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है क्योंकि जैन समाज में दिगंबर जैन समाज है और श्वेतांबर जैन समाज है तो 2 वर्ष दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष होंगे का कार्यकाल होगा और 2 वर्ष श्वेतांबर जैन समाज का कार्यकाल होगा। ये महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट में लिया गया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, नर्सिंग महाविद्यालयों में हमारी 2 श्रेणियां थी, पहले मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा विभाग को और शिक्षा विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक ही मंत्रालय कर लिया, एक मंत्रालय बना दिया था। अब फिर से इसमें जो हमारी शासकीय संस्थाएं थी उसमें 6 स्वशासी संस्थाएं थी, बाकी शासकीय विद्यालय महाविद्यालय थे, इन दोनों का डेजिग्नेशन शासकीय महाविद्यालय ही कर दिया गया है ताकि एक प्रकार से उनको संबोधित किया जा सके। अंत में हमारे जो दमोह के लोग होंगे, वैसे तो राज्य के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दमोह जिले में एक हवाई पट्टी है जिसका राजस्व का जो टाइम था लीज का वो समाप्त हो गया और अब वो मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति है। आज सैद्धांतिक सहमति हमारे कैबिनेट ने मंजूर की है कि हम उसे उन्नत करके हवाई पट्टी बनाएंगे, इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, रानी दुर्गावती संग्रहालय, मदन महल किले के चारों तरफ जो पहाड़ी है उसको भव्य रूप से बनाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, साथ में चूंकि सारी चीज़ें उसमें जुड़ जाएं, उसके और भी विस्तार तरीके से विचार हो, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है ताकि सारी बातों को उसमें लिया जा सके। उसमें हमारे स्थानीय मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी, हमारे जनजातीय मंत्री माननीय विजय शाह जी, मेरा भी नाम है और यहाँ पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, ये समिति के सदस्य होंगे और ये समिति ये तय करेगी कि वास्तव में उस उतने लंबे चौड़े क्षेत्र में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो ताकि वीरांगना रानी दुर्गावती जी के उन तमाम व्यक्तित्व के को निखारा जा सके, चाहे वो न्याय से जुड़ा हो, चाहे वो जल प्रबंधन से हो, चाहे उनकी प्रशासनिक क्षमता हो, चाहे वो किसान कल्याण की उनकी मनोवृत्ति हो, जितने भी प्रकार के उनके फैसले हैं वो सब उस संग्रहालय में दिखें जो ओपन होगा, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी, जिसमें थिएटर भी होगा, ओपन थिएटर भी होगा, जितने प्रकार के अनाज के या जनजातियों की रहन सहन की जितनी भी विधियाँ हो सकती हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हों, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस समिति का निर्माण किया है ताकि वो जल्दी
इस बात को आगे बढ़ाकर उसको भव्यता और दिव्यता प्रदान कर सके। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रिपेयरिंग में शुरू हुई ताकि एनएच बना ही देगा। धन्यवाद दे। तो पहली बार ओपन एयर कैबिनेट बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किन अहम मुद्दे हैं जिन पर मुहर लगी है, किन प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हैदराबाद में 16 अक्टूबर को रोड शो होगा, भोपाल में माइनिंग कॉन्क्लेव 16-17 और रीवा में 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी। इसकी जानकारी भी मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी। इसके साथ ही रानी दुर्गावती नाम से योजना की शुरुआत भी की जाएगी, इसको लेकर भी जानकारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी। आपको बता दें कि आज संग्रामपुर दमोह में ओपन एयर कैबिनेट की बैठक पहली बार रखी गई, कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान बैठक में मुहर लगी।